व्यूज में सपोज हमें कुछ कंडीशन डालना हो तो उसके लिए हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। दो जगह से हम कंडीशन डाल सकते हैं, दैट इज़ फिल्टर क्राइटेरिया एंड अदर इज़ कंटेक्चुअल फिल्टर। व्यूज को एक्सेस करते हैं कोई, या एक न्यू व्यू बनाते हैं। टेस्ट नाम से व्यू बना रहे हैं, सो कंटेंट, और हमारे में प्रोडक्ट्स नाम से कंटेंट टाइप है। क्रिएट पेज या ब्लॉक में हम पेज रखते हैं, कंटिन्यू एंड एडिट। सो कंडीशन के लिए जैसे हमने बताया फिल्टर क्राइटेरिया और कंटेक्चुअल फिल्टर, तो फिल्टर क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, ये नज़र आ रहा है, और कंटेक्चुअल फिल्टर एडवांस के अंदर होता है यहाँ पे, ये रहा कंटेक्चुअल फिल्टर। तो दो दो जगह से हम कंडीशन डाल सकते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कंटेक्चुअल फिल्टर देखते हैं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन जैसे जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका हमें कंटेंट दिखाना हो, तो ये रिलेशन होता है सेशन से रिलेटेड, मतलब ऑथर का आईडी सेशन में होता है और सेशन से हम ट्रैक करके हम कुछ रिलेशन करते हैं, कंडीशन में डालते हैं। सो सेशन से रिलेटेड अगर हो या यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग में अगर डाटा हो। अब सपोज जैसे ये एक साइट में अगर मोबाइल हम क्लिक कर रहे हैं तो मोबाइल कैटेगरी का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल का नज़र आ रहा है, तो मेनली ये कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे जो क्वेरी स्ट्रिंग में आईडी पास हो रहा है तो उसी आईडी का कंटेंट नज़र आ रहा है, इट्स मीन्स कंडीशन हमारा यूआरएल में है, क्वेरी स्ट्रिंग में है। तो ऐसा कुछ कंडीशन अगर हमें व्यूज में पड़े तो भी हम कंटेक्चुअल फिल्टर में वर्क करेंगे। और पेज वेरिएबल्स भी कभी कभी होते हैं, जो हम अभी पेज लोड किए हैं जैसे ये पेज है, अब इस पेज के अंदर काफ़ी सारे वेरिएबल्स है, जैसे इस पेज का एन आईडी, नोड आईडी, और भी जो कंटेंट है ये किस कैटेगरी का है उसका आईडी। तो इस तरीके का कोई वेरिएबल को हमें एक्सेस करके कंडीशन में डालना हो तो वैसे सारे चीज़ें सारे कंडीशन कंटेक्चुअल फिल्टर से होता है। और सारे जो नॉर्मल सा कंडीशन होता है वो सब चीज़ें फिल्टर क्राइटेरिया के अंदर होगा। ऐसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करें, सो टुडे पोस्टेड कंटेंट, टुडे पोस्टेड कंटेंट तो डेट से रिलेशन होता है, फिल्टर क्राइटेरिया में हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अभी भी फिल्टर क्राइटेरिया में दो चीज़ें हैं कंडीशन, दैट इज पब्लिश्ड येस, मतलब ऐसा कंटेंट दिखाना है जो पब्लिश्ड है और जिसका कंटेंट टाइप प्रोडक्ट्स हैं। प्रीव्यू मोड में देखें हम तो यहाँ पे सारे कंटेंट आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें एक हम फिल्टर क्राइटेरिया हम डालते हैं। सो ओनली ऑटोमोबाइल कैटेगरी प्रोडक्ट्स, तो हमारे केस में सपोज हमारे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बट हम चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर कोई कैटेगरी का ही प्रोडक्ट आए,
तो फिल्टर क्राइटेरिया में होता है वो ऐड करेंगे। और पार्टिकुलर कैटेगरी कहने के मतलब ड्रूपल के सेंस में वो वोकैबुलरी होता है, टैक्सोनॉमी होता है, तो यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं टैक्सोनॉमी, हैश टैक्सोनॉमी टॉर्म आईडी। वोकैबुलरी कैटेगरी होगा ड्रॉप डाउन अप्लाई, हमारा व्यूज अभी सेव नहीं था तो इसकी वजह से कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ईच बर्नअप में यहाँ एक बॉक्स से जाना चाहिए टॉम सेलेक्ट करने के लिए, तो इसको कैंसिल करके रिमूव करके व्यूज को सेव करके फिर दोबारा ओपन करते हैं। फिर से फिल्टर क्राइटेरिया में एक्सेस करते हैं टैक्सोनॉमी, कैटेगरी ड्रॉप डाउन अप्लाई इज वन ऑफ। अब आ रहा है यहाँ पे, पहले हमारा व्यू सेव नहीं था तो टेम्प्रोरी स्टोर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हमने सेव कर दिए। अब इज वन ऑफ ऑटोमोबाइल, सो ये कंडीशन हो गया कि सिर्फ ऑटोमोबाइल कैटेगरी का प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ऑटोमोबाइल में एक ही प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। इसको आप चेंज करके रिसर्च कर सकते हैं, जैसे सिर्फ मोबाइल कर देते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं सिलेक्ट। सो ये मोबाइल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से हमने फिल्टर क्राइटेरिया में एक कंडीशन डाली। सो इसको समरी अगर करें तो कॉन्टेक्स्चुअल फिल्टर का एग्जांपल काफ़ी सारे हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। तो कंसेप्ट के लिए, अगर हमारे वेरिएबल सेशन में है या यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग में है या हिडन वेरिएबल है पेज के अंदर और वहाँ से कुछ कंडीशन हमें करना हो, तो ऐसे सारे कंडीशन कॉन्टेक्स्चुअल फिल्टर के अंदर से हम करते हैं यहाँ से, जो इन फ्यूचर हम अलग अलग एग्जांपल्स में इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी कंडीशन होते हैं नॉर्मल कंडीशन, वो सब चीज़ें फिल्टर क्राइटेरिया में होते हैं, जो हमने एक देखा कि सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरी का ही प्रोडक्ट्स नज़र आए।